क्योंकि जब कौम मजबूत होगा, कौम ठीक होगा, लोग अवेयर होंगे, लोग पॉजिटिव माइंडेड होंगे तो वीजे ख़त्म हो जाएंगे। आज हमाद साफ़ी कराची आए वीज़ा लेने के लिए, तो तकरीबन अकबर शाह जो इनके बड़े भाई हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया थोड़े दिन पहले कि अपना जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और इसके जो कॉन्वोकेशन होता है एनुअल जो इनका प्रोग्राम होता है उसमें इस दफ़ा 16,000 लोग आने एक्सपेक्टेड थे और जो इसमें ओबामा एज अ स्पीकर रहे हैं प्रेजिडेंट आते हैं अमेरिका का बोलने के लिए, बहुत बड़ा कन्वेंशन। तो अपना ने हमाद को एज अ स्पीकर इनवाइट किया कि आप आ जाएँ, तो मुझे अकबर शाह से मैंने कहा कि आप एम्बेसी को लिखिए, वो आपको 15 दिन में वीज़ा दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, 2-3 महीने लगते। मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, आप ट्विटर पे कांटेक्ट करें, एम्बेसडर को डायरेक्ट कांटेक्ट करें वीडियो बनवा के। पता नहीं किस तरह से आपने कॉन्टैक्ट किया, बट आज हमाद गए तो आज हमाद को उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया अमरीकन एम्बेसी ने और वो अमरीका अब नहीं जा सकते। तो पहले तो दो सवाल हैं इसके अंदर, तो पहले मैं एक सवाल हमाद से करूँगा कि अच्छा, मैं समझ रहा था कि वीज़ा लग जाएगा, हमाद साफ़ी हैं, कोई गूगल करेगा 5 मिनट में पता चल जाएगा कौन है। फिर अपना का इनविटेशन है, अपना को पूरा एम्बेसी जानती है, एम्बेसडर जानते हैं, प्रेसिडेंट जानते हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि अमरीका के अंदर। अच्छा, अमरीका में लोग समझते हैं कि अमरीकन अमीर है, अमरीका के अंदर सेकेंड मोस्ट अमीर जो लोग हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन हैं। हम समझते हैं कि अमेरिका अमीर है, ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो सबसे अमीर लोग हैं उनमें सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पे पाकिस्तानी और इंडियन आते हैं, वो भी डॉक्टर्स। ये उनकी एसोसिएशन है, क्योंकि हर डॉक्टर जो है अमेरिका में वो $250 से $400 घंटे का लेता है, तो वो बहुत अमीर होता है, उसको पास कोई लिमिट नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर होता है। नीचे वाले टैक्सी वाले भी बहुत है पाकिस्तानी, लेकिन जो डॉक्टर इंजीनियर हमारे यहाँ से खेप गई थी वो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच गए हैं। तो उनके लेटर के ऊपर भी रिजेक्शन हो गई, तो पहले तो मैं हमाद से ही पूछता हूँ, हमाद अंदर से जो बुत बना गए होंगे टूटे कुछ, कैसा लगा रिजेक्ट होगा? एक दफ़ा नहीं है, बार बार जाएंगे। और चूँकि मैं ऐसे ही विज़िट के लिए जा रहा था, तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, और भी विजिट है, तुर्की जाना है, चाइना जाना है, और भी कंट्रीज हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट से सीखा क्या, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? हमने अभी अंदर भी डिस्कस किया था, यस, हमने डिस्कस किया कि पहले जो मिस्टेक्स होती हैं उसको दोबारा हम जो मतलब आपने जो मिस्टेक्स की उसको दोबारा ना दोहराएं, और दूसरी बात ये गलती हमारी नहीं है, मतलब हमारी कौम की है, कि आपने अंदर हमें मिसाल दी ना, कि अपनी मिसाल दी कि मैं अमेरिका चला गया तो वहाँ कुछ वीज़ा नहीं दे रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता चूँकि मैं पाकिस्तानी था। सिंगापुर चला गया तो वहाँ पर मुझे घर नहीं मिल रहा था चूँकि मैं पाकिस्तानी था, लोग नहीं दे रहे थे, तो ये हमारी कौम की गलती है। और करना ये चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनी कौम को ठीक करना चाहिए, क्योंकि जब कौम मजबूत होगा, कौम ठीक होगा, लोग अवेयर होंगे, लोग पॉजिटिव माइंडेड होंगे तो वीज़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर जिस तरह आप यूरोप के एक मुल्क का वीज़ा ले लेते हैं तो पूरी यूरोप में आप घूम सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का भी वीज़ा लेकर जो है मतलब पूरी दुनिया में आप घूम सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया, हमें अब काम ये करना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनकी आमदनी इतनी बढ़ जाए कि वीज़े की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए। सिंगापुर की रिक्वायरमेंट 10 साल पहले सिंगापुर वालों को अमेरिका का वीज़ा लेना होता था, अब 10 साल पहले अमेरिका ने कहा कि अब आपको हमारे मुल्क आना है तो आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं, आप पासपोर्ट पकड़ें, टिकट खरीदें और आ जाए। जैसे आज अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते नहीं, अगर आप नेपाल जाना चाहें, इंटरनेशनल ट्रैवल करें, तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आप जाएँ आपको वहीं वीज़ा मिल जाएगा। आप श्रीलंका जाएं आज तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपको वहीं वीज़ा मिल जाए, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। yes. हमें काम ये करना है, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करते हो, लोगों को झंझोड़ते हो, उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, ड्रम बजाते हो, उठ जाओ, तो आपको ये अब जगाना है कि देखो ये इंटरनेट और आपके जो टीचर्स हैं जो उन्होंने आपको सिखाया कि ये आपने कोशिश करनी है कि अगर एक भंगी स्वीडन में बैठ के 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है तो आप भी इस मुल्क में बैठ के 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। yes. और जब पूरा पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, यानी पर कैपिटल इनकम साल की $6,000 हो जाएगी, तो उम्मीद है कि हमारे वीज़ों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी। और जब $12,000 से $18,000 हो जाएगी साल के, हम 1-1.5 लाख कमाने लगे हर आदमी महीने का, तो हमारे वीज़े की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ये कब होगा? ये अमरीका ने एड्स से नहीं होगा,
ये सऊदी एड से नहीं होगा, ये हम जब अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, आपने आपके टीचर ने आपने मेहनत करी आप बदल गए, आपके मेरी ख्वाहिश है कि हर घर में हम्माद है लेकिन उसकी वो ट्रेनिंग नहीं हो रही है जिसको हम मात बनाने के लिए करना है। तो मेरी आपके भाई से भी, आपके टीचर से भी, आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने जितना मेहनत आप इनके साथ करते हैं वो सारा यूट्यूब पे अवेलेबल करें, कि जो माँ बाप चाहते हैं कि बने ये तो वो बने, और इसके लिए कोशिश करें कि इंशाल्लाह ताला 10 साल के बाद हमने इंशाल्लाह टिकट खरीदें इंशाल्लाह चले जाएं। ये ना हो कि जी खाम खाए में वीज़ा रिजेक्ट होके आ गए, खाम खाए में लोग दुबई जाने के लिए मर रहे हैं, खाम खाए में सऊदी अरब जाने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों भाई, जाएंगे हम और बगैर वीज़े के जाएंगे, अपना काम हम करेंगे, घूम के आ जाएंगे, हमारे मुल्क में हमें इतना रिस्क मिलेगा, कैसे मिलेगा जब हम थोड़ी सोच को बदलेंगे। अगर वही दकियानूसी तरीके से हर चीज़ करते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, तरीका बदलना पड़ेगा, इस खिलौने को सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा और तभी कुछ होगा। और नुकसान आज वीज़ा ना दे के अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपना खुद किया मारा कर, हमें तो खुशी है, मुझे तो बहुत खुशी है आपको वीज़ा नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि जब हम रिजेक्ट होते हैं तो पता चलता है कि हमारे से सुपर पावर कोई और ऊपर बैठी हुई है, उसका प्लान कुछ और है। अगर मुझे 16 दफ़ा अमेरिका ने रिजेक्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं रिहान अल्लाह वाला ही नहीं होता, मैं कहीं सिलिकन वैली में बैठा हुआ होता, अपने घर में कोने में अपने बच्चों के साथ अपना काम कर रहा होता। मैंने वीडियो पे बोलना जब शुरू किया, जब मेरे कस्टमरों ने कहा आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप है ही नहीं। क्या मतलब है नहीं भाई? नहीं, कोई रेहान अल्लाह वाला रेहान साहब है ही नहीं कोई, हमें यकीन नहीं, कम हमने कभी आपको देखा ही नहीं। मेरे कस्टमर ने मुझको ये बोला तो मैंने वीडियो बनाना शुरू करी, भाई देखो मैं हूँ, मेरी शक्ल है, मेरी वीडियो ये देख लो। तब मैंने वीडियो बनाना शुरू करी। जब मेरी 16 रिजेक्शन हुई, आखिरी जो मेरी रिजेक्शन थी वो उन्होंने 3 साल मुझे इंतज़ार करा के करी। ठीक है, 3 साल मैं बार बार कहूँ हो गया लग गया, कितने अभी सोच रहे हैं, लग गया अभी सोच रहे, 3 साल में इंतज़ार किया। आखिर में उसने बोला कि दोबारा अप्लाई करो, मैंने कहा अब तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा अब तो मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसी मुल्क को अमेरिका बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना अच्छा काम करते रहे। There is no failure. There is always always learning. This is what I'm saying. और एक बात ये थी कि चूँकि इसको अकबर शाह को भी पता है, चाइनीज़ जो सफ़ीर है उससे वी आर इन कॉन्टेक्ट, अनकरीब चाइनीज प्रेजिडेंट इनको बुला रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया ही विल गो देयर और उसकी मीटिंग उधर उसकी सेट हो रही है। तो ये बर्दगान की तरफ से उनकी जो ख़ास उनकी सेक्रेटेरिएट है, उनके बंदे हमारे साथ रबते में हैं कि आप इस बच्चे को लेकर आए। इसने बहुत सीखा यहाँ से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी रिजेक्शन से मिलियन ऑफ पीपल को रिजेक्ट किया गया, पूरे पाकिस्तान को अगर मैं समझता हूँ ये रिजेक्ट किया गया। लेकिन हम आज चूँकि इकबाल को पढ़ते हैं, और ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये खफा हो इस बात पे, आपकी तो कोई टेंशन नहीं है अमेरिका का वीज़ा न लगने से, नहीं खुश है ना? yes. क्योंकि आपको सीखने को मिला, बल्कि सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पर सीखने को मिला, रेहान भाई से 2-3 बातें कर रहे हैं।